नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। रोजगार की उम्मीद में जॉब एजेंटों के माध्यम से विदेश जाकर ठगे जाने वाले कई केसेस अक्सर सुनने में आते हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के निवासी कुलदीप वर्मा का, जो लगभग 2 महीने से विदेश में फंसा हुआ था और आखिर में इसे 8 अक्टूबर को कुलदीप हिंदुस्तान वापस पहुंच गया। कुलदीप को विदेश से भारत वापस लाने में अंबेडकर नगर के रहने वाले संस्था परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद आबिद हुसैन का खास योगदान है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले के निवासी कुलदीप वर्मा को एक एजेंट ने दुबई में एक वॉलेट कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करके उसके घर वालों से 80,000 रुपये लिए, जिसके बाद दुबई पहुंचकर कुलदीप को पता चला कि उसके पासपोर्ट पर विजिटिंग वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा की स्टैम्प हुई है, जिसके बाद कुलदीप दुबई में दर दर भटकने को मजबूर हो गया। अब कुलदीप के घर वालों को ये बात पता लगने पर उन्होंने रुद्रपुर जिले के अंबेडकर नगर के रहने वाले समाज सेवी व मानवता ईश्वर के लिए संस्था परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद आबिद हुसैन से मदद मांगी। सैयद आबिद हुसैन ने दुबई में और भारत वापसी में कुलदीप की हर मुमकिन मदद की। सैयद आबिद हुसैन के कार्य की सभी ने प्रशंसा की। राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव आतिफ ने उनके कार्य पर प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाइयां दी। अंबेसी की मदद से वो वतन आ चुका है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार और विदेश मंत्रालय का और टीम दुबई अंबेसी का। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुलदीप के पास पैसे भी नहीं थे। मैंने अपने दोस्तों से कहकर उसको पैसे का भी इंतज़ाम करवाया था, जो कि उसको बहुत काम आए। और मैं एक बार कहना चाहता हूँ अपने सभी यूथ को कि ऐसे जालसाजी करने वाले एजेंटों से सावधान रहें, और जब भी आप विदेश जाएं तो एक बार डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लें कि वो डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, जाके तुम्हें परेशान किया जाए और तुम्हें ऐसी दिक्कत उठानी पड़े। क्योंकि मैं ऐसे बराबर मुद्दे उठाता रहता हूँ और ज़्यादातर ऐसे मुद्दे मेरे पास आते हैं जिसमें एजेंट द्वारा फंसाए जाने वाले केस रहते हैं। इससे पहले मैंने कम से कम दर्जनों से ज़्यादा मुहिम चलाई है, जिसको मैंने रेस्क्यू करवाया है। तो मैं बिल्कुल गुजारिश करना चाहूँगा सभी यूथ से कि बिल्कुल इन एजेंटों के झांसे में ना आए। जय हिंद, धन्यवाद। इस रिपोर्ट में इतना ही, आगे भी बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर खबर से लेकर असर तक।